हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंदु चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर रेंज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में ऐसा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो, क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की, यानी कि ये क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर अपलोड की जाती है, आप यहाँ पर मेरे साथ में डायरेक्टली जुड़ सकते हो। इसके अलावा आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, है ना। GS2 के मतलब खबरों के अंदर आज कोई ज्यादा खबर है नहीं, है ना। दो तीन खबर और हैं, जैसे विंडफॉल टैक्स के ऊपर है कि यार विंडफॉल टैक्स के एग्जेम्पशन की बात की है मंत्रालय ने, पर दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं, हम लोग विंडफॉल टैक्स को ऑलरेडी देख चुके हैं तो इसको हम लोग वापस से चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हिजाब केस के ऊपर भी कुछ खबरें आई हैं, पर हिजाब केस के ऊपर भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता हम लोग उस कोर्ट के केस को कोट नहीं कर सकते अपने आंसर में। जानने समझने के लिए डीके के यार जानना है कि हिजाब केस क्या है क्या नहीं है, तो आप उसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस कारण से उस टॉपिक को मैंने अलग से कवर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस केस को ऑलरेडी देख चुके हैं कि केस क्या है। अब फाइनल जब डिसीजन आएगा उसके बाद देखेंगे कि यार मतलब क्या मामला बना है पूरा, ठीक है। अभी बीच के अंदर वापस उसको अलग से पढ़ने से मतलब है नहीं। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगा है कि द हिंदू का आज क्या है कि मतलब पेपर का थोड़ा पैटर्न इन्होंने चेंज किया, मतलब जो फॉन्ट वॉन्ट है वो चेंज किया, तो फॉन्ट वॉन्ट चेंज करने के चक्कर में इंपॉर्टेंट खबर डालने भूल गए शायद, ठीक है। इसके अलावा चंडीगढ़ का एक केस है, वो चंडीगढ़ का केस चल रहा है, उसको भी अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तो पुलिस को क्लियर नहीं हुआ क्या, ठीक है। तो वहां पर जब थोड़ी डिटेल वगैरह आएंगी, जब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात आएगी तब हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, पर अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आया नहीं है उस केस के अंदर। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग भी उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो आज केवल ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने दूसरे टॉपिक क्यों कवर नहीं करे, ठीक है। इसके अलावा आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल के अंदर है डेथ पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट मूट फेयर हियरिंग करके ये आर्टिकल भी है, साथ में हु इज द किलर करके एक एडिटोरियल भी है, दोनों डेथ पेनल्टी के ऊपर आया, ठीक है। अब ये डेथ पेनल्टी के ऊपर क्यों आ गया आर्टिकल, क्योंकि रिसेंटली क्या है कि अभी अभी डेथ पेनल्टी के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है कि डेथ पेनल्टी किन केसेस के अंदर दी जानी चाहिए। ऐसी कंडीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज हैं उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया है कि डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए फॉर अ मीनिंगफुल रियल एंड इफेक्टिव मैनर, साथ में मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को भी जोड़ा जाना चाहिए। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या है बताऊंगा 2 सेकंड में। साथ में इन्होंने कहा कि अभी तक के पुराने जजमेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं कम है, छोटे पड़ गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं, क्योंकि उसके अंदर टाइम नहीं बताया कि यार एक व्यक्ति को डेथ पेनल्टी देना है तो कितने दिन में देना, मतलब सफिशियंट टाइम लिमिट जो है वो डिस्कस नहीं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डिस्कस किया है कि हम लोगों को एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क की आवश्यकता है डेथ पेनल्टी से रिलेटेड। पर ये सारी चीजों की क्यों जरूरत है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डेथ पेनल्टी है क्या। डेथ पेनल्टी का मतलब कुछ ही सजाए मौत, ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर हैंग कर दिया जाता है ना, किसी भी तरीके से सजाए मौत दी जाती है तो उसे हम लोग कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी कहते हैं। भारत के अंदर नार्को एक्ट, आर्म्स एक्ट, भारत के अंदर और भी कई सारे कानून है, है ना, उनके तहत भारत के अंदर डेथ पेनल्टी जो है वो दी जा सकती है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक व्यक्ति को अधिकार देता है कि हर एक के पास में राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी है, पर उसे छीना जा सकता है फॉर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश बाय लॉ है अगर वो फॉलो करोगे तो उसके बाद में आप लोगों की जिंदगी भी छीन सकते हो। मतलब नार्को एक्ट, आर्म्स एक्ट, इन सारी जगहों पर, इन सारे कानूनों के अंदर, लॉ के अंदर जो प्रोसीजर बताई है उस प्रोसीजर को प्रॉपर रूप से फॉलो किया जाए। अगर उसे फॉलो किया जाएगा मतलब कि ये लॉ वैलिड है या नहीं है, तो जी हाँ वैलिड है। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव ने प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो फॉलो की है या नहीं है, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होती है। उस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को अगर आपने फॉलो किया तो एक व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। पर किसको डेथ पेनल्टी दी जा सकती, क्या हर किसी को डेथ पेनल्टी दे देंगे? कोई कुछ होगा तो सही, आधार के इस आधार पे किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अ केस नॉन एज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब,
बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोई केस ऐसा है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब ऐसा केस जो कभी हुआ ही नहीं, तो उस केस में किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। पर लोगों का कहना था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता क्या, पता ही नहीं। तो फिर मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस हुआ। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का मतलब ऐसा है कि कोई केस किसी जज के पास में आए और वो बहुत ही अलग, मतलब साधारण रूप से इस तरीके के क्राइम होते नहीं, इतना रेयर हो, और उस क्राइम को देखने के बाद में आपको लगे कि अगर मैं इस व्यक्ति को, इस क्रिमिनल को जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो मतलब क्रिमिनल से धो चुका है, जो गिल्टी है, उस गिल्टी को अगर मैं आजीवन कारावास भी दे दूंगा तो भी उसको सजा कम होगी, ऐसे केस के अंदर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कंसिडर किया जाए और उस केस में डेथ पेनल्टी दी जाए। फॉर एग्जाम्पल 2012 निर्भया केस, जहां पर निर्भया के साथ में गैंगरेप किया गया और उसके बाद में इंटरनल जेनिटल के अंदर एक रॉड डाल दी गई, इट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, जिसके बाद पूरे देश को इसने हिला के रख दिया। क्योंकि इस केस को अगर आप भी सुनोगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि जिसने ये क्राइम किया है उसको अगर मैं लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो वो भी कम लगने लगे, उस केस के अंदर डेथ पेनल्टी जो है वो दी जानी चाहिए। साथ में यह कहा गया है यहां पर कि जब भी डेथ पेनल्टी दी जाए तो उस समय में मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को जरूर से कैलकुलेट किया जाए। अब ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, तो देखो यार क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाती है, किसी व्यक्ति ने कुछ क्राइम किया होता है, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं उसके जीवन के अंदर। जैसे वो अकेला ब्रेडविनर होता है अपनी फैमिली के अंदर, हो सकता है कि कोई कारण था जिसकी वजह से उसने दूसरे व्यक्ति को मार दिया, ठीक है, हो सकता है कि यार किसी ने मेरे फैमिली के साथ में कुछ किया, उसके बदले के अंदर जाके मैंने मार दिया, और वो व्यक्ति ने जो क्राइम किया वो खुद में ही एक हीनस क्राइम था, उसके बदले में मैंने मारा, तो ये क्या होता है, पीछे के कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनके आधार पर मेरी पनिशमेंट कम की जा सकती है, ये होते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। तो ये जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं उनको भी कैलकुलेट करने के बावजूद आपको ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा क्राइम किया है कि उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट देना भी कम है, तो उसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांस के अंदर कैलकुलेट किया जाए और उसे डेथ पेनल्टी दी जाए। रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी जो डिस्कशन हुआ है डेथ पेनल्टी से रिलेटेड, उसके अंदर क्या कहा गया है कि मीनिंगफुल, इफेक्टिव और रियल वे के अंदर डेथ पेनल्टी को हम लोगों को हियर करना चाहिए, जिसके अंदर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस को कैलकुलेट करना चाहिए। मैंने आपको पूरी लीगैलिटी बताई, इस लीगैलिटी के अंदर कहीं से कहीं तक जो डेथ पेनल्टी उसके अंदर समय बताया गया कि इतने समय के अंदर आपको प्रोसिक्यूशन देना नहीं, यहां पर ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी गई है तो इतने दिन के अंदर उसे एग्जीक्यूट किया जाए, वो सफिशियंट टाइम जो है वो उसके ऊपर भी डिसीजन लेना है। साथ में मैंने बताया कि अभी तक कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है ना, यहां पर क्या है, बिल्कुल इनफॉर्मल प्रोसेस है, जज खुद डिसाइड करता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है या नहीं है, मतलब जज डिसाइड करेगा कि मेरी जिंदगी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये कहा गया है कि हम लोग को एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ताकि जज के ऊपर चीजें जो है वो डिपेंडेंट ना रहे। अब व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी, मतलब क्यों हम लोगों को डेथ पेनल्टी किसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए और क्यों हम लोगों को किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी नहीं दी जानी चाहिए। तो पहले इन फेवर की बात करते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी जाती है तो इससे क्या होता है, डर बना रहता है, जैसे किसी ने बहुत हीनस क्राइम किया उसके बावजूद उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी गई है, तो उसकी वजह से दूसरे लोग जो है वो डरेंगे ही नहीं, डरेंगे नहीं तो वैसे क्राइम जो है वो होते रहेंगे, तो एक तो डिटरेंस के लिए हम लोग डेथ पेनल्टी देते हैं, दूसरा रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस के लिए, मतलब किसी ने कुछ क्राइम किया है, ठीक है, मान लो उसने मर्डर किया है, मतलब उसने किसी की जान ली है, तो फिर हम लोग भी उसकी जान ले लेते हैं ना, रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि जो उसने किया है उसके लेवल का उसको पनिशमेंट देना, ठीक है। प्रिवेंशन फ्रॉम रीऑफेंडिंग, जैसे कोई व्यक्ति है उसने कोई क्राइम किया है, मान लो टेररिस्ट है, अब टेररिस्ट को आप डेथ पेनल्टी वगैरह नहीं दोगे, उसको जेल के अंदर डाल के रखोगे, तो फिर तो आपका प्लेन हाइजेक हो जाएगा, प्लेन हाइजेक हो जाएगा तो उस टेररिस्ट को छोड़ना पड़ेगा, तो फिर डेथ पेनल्टी यहां पर टेरर एक्ट के अंदर, यूएपीए के अंदर देना तो जरूरी है ना, देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए। एक व्यक्ति जिसने क्राइम किया है, बहुत हीनस क्राइम किया, उसको छोड़ दिया, उसको जेल के अंदर बंद रखा, मान लो थोड़े समय बाद वो पैरोल पे निकला, और पैरोल पे निकलने के बाद उसने फिर से एक और क्राइम कर दिया, तो वो री ऑफेंस, ऑफेंशन का डर है ना, तो री ऑफेंडिंग से भी हम लोग
व्यक्ति को रोक सकते हैं अगर हम लोग किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी देते हैं। डेथ पेनल्टी की वजह से एक बार फायदा ये होता है कि भारत के अंदर 70% नागरिक ये मानते हैं कि डेथ पेनल्टी को रोकना नहीं चाहिए, जिसके कारण से भारत के अंदर डेथ पेनल्टी चलती है। तो एक तो लोगों की इच्छा भी है कि डेथ पेनल्टी चलाओ, जो क्रिमिनल है उसको डेथ पेनल्टी दो जो उस लायक है। वहीं क्या आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने मर्डर किया है और उसके बदले हम लोग उसे पब्लिकली मर्डर कर, एरिस्टोटल ये कहता है कि इट इज अ लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बर्बरिज्म, जहां पर एक सोसाइटल मर्डर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या होता है, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन। यहां पर कहा गया है जज को अगर ऐसा लगे कि कोई सा केस ऐसा है जिसके अंदर किसी व्यक्ति को अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया जाए तो वो भी कम है, ऐसा कहा गया। मतलब सब कुछ जज की आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। देयर वाज अ केस इन फ्रंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जहां पर एक बच्चे को किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद में पैसे की फिरौती नहीं मिली तो उस बच्चे को मार दिया गया। एक ऐसा केस जो कई बार होता रहता है, नॉट अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इट इज अ हीनस क्राइम बट इट इज नॉट अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। बट उस समय पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये एनालाइज किया कि ये जो व्यक्ति है उसने एक परिवार के सिंगल बॉय चाइल्ड को मारा। बॉय चाइल्ड घर के अंदर इकोनॉमी के अंदर और इमोशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस और किडनैपर को फांसी की सजा दे दी गई। वहीं दूसरी तरफ देयर वाज अनदर पर्सन जिसने पहले अपनी बेटी का रेप किया था, जिसकी वजह से उसे जेल के अंदर भेजा गया था। ही हैज डन अ हीनस क्राइम, पर उसके बाद में वो व्यक्ति परोल पे निकला और परोल पे निकलने के बाद में उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची का मर्डर कर दिया। एक क्राइम करने के बाद में फिर से एक और क्राइम किया गया, एक क्राइम की पनिशमेंट भुगतते समय दूसरा क्राइम की पनिशमेंट, दूसरा क्राइम कर दिया गया। डोंट यू थिंक के इसके अंदर ये दिख रहा है कि वो व्यक्ति सुधरना ही नहीं चाह रहा। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, बल्कि किडनैपिंग के अंदर एक बच्चे को, लड़के को मार देना इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, वहां पर डेथ पेनल्टी दे दी गई। तो मेरी जिंदगी डिपेंड करती है वहां पर जो कोर्ट के अंदर तीन जज बैठे हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी में क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क नहीं है भारत के अंदर। थर्ड थिंग, देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी अनाउंस कर दी गई और उसके बाद में ये पता चला कि यहां पर एक्चुअल में केस के अंदर मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, तो फिर इरिवोकेबिलिटी, मतलब किसी व्यक्ति को आपने सजाए मौत दे दी तो बस अब वो जा चुका है, अब आप उसको ला नहीं सकते। वहीं आप अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट देते 5 साल बाद आपको लगता कि अरे नहीं केस के अंदर तो मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, तो आप उसको रिलीज कर सकते, यहां पर वो नहीं किया जा सकता। साथ में देयर इज नो स्टैटिस्टिकल प्रूफ के इसके ऐसे डिटरेंस क्रिएट होता। आप कह रहे हो कि इसके ऐसे डिटरेंस क्रिएट होता, पर कोई प्रूफ कहाँ है उस चीज का, कोई स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है जो बताती है कि डेथ पेनल्टी की वजह से लोगों के अंदर भय उत्पन्न होता। देन रिहेबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन। देखो यार, हम लोग किसी व्यक्ति को पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं, समझ, हम लोग उसको पनिशमेंट ये दे रहे हैं इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उसने क्राइम करा तो अब हम लोग भी उसके ऊपर क्राइम कर देंगे मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं। हम लोग किसी व्यक्ति को इसलिए पनिशमेंट देते हैं क्योंकि पनिशमेंट भुगतने के बाद में उसके अंदर सुधार आए, वो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करे, एक बेटर रोल प्ले करे, वो क्रिमिनल से सोसाइटी के अंदर एक असेट के अंदर बदले, उसको अपनी गलती का एहसास हो। हम लोग उसे रिस्टोर करना चाहते हैं, हम लोग उसे रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं। तो डेथ पेनल्टी अगर आपने किसी को दे दी तो उसके पास में इस चीज का मौका नहीं रहता है। वहीं डेथ पेनल्टी को देने की वजह से एक व्यक्ति जो है वो अपना क्राइम समझ जाता है, ये अच्छी चीज होती है। मतलब क्या होता है, जैसे कोर्ट ने कह दिया डेथ पेनल्टी, अब उसके बाद में कोई भी आसार दिख नहीं रहे हैं कि एक व्यक्ति बच सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने परिवार वालों से मिलता है, अपने घर वालों से मिलता है, अपने गिल्ट को देखता है कि यार मेरी ही कोई गलती रही होगी। ठीक है, उन चीजों को समझने की कोशिश करता है, आखिरी बार भगवान को याद करता है। ठीक है, तो ये चीजें भी हम लोगों को देखने को मिलती है डेथ पेनल्टी की वजह से। ये अलग से आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, जो फेवर और आर्गुमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सफिशिएंट है। ठीक है, देन इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु सफरिंग। देखो मैंने बताया था ना कि थोड़ा सा
न्यूज़पेपर के अंदर इन्होंने डिजाइन विजाइन चेंज करी है आज बैठ के। तो रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर आप देखोगे तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो इंडिया जैसी नहीं है। मतलब भारत की डिप्लोमेसी अगर आप देखोगे तो मच ऑफ अ मेच्योर्ड डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर क्या, उसके अनुसार भारत के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर उसके अनुसार डिसीजन नहीं लिया, पाकिस्तान के अंदर अभी तक पब्लिक पॉलिसी चल रही है डिप्लोमेसी के अंदर। अभी पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ और एक तिहाई जमीन जो है पानी के अंदर है, लगभग 1400 लोगों की डेथ हो चुकी है, 33 मिलियन लोग जो है वो इससे इफेक्ट हो चुके हैं, 5735 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो ट्रांसपोर्ट लिंक का टूट चुका है, 1.6 मिलियन हाउस जो है वो खत्म हो चुके हैं, 7,50,000 लाइव स्टॉक जो है वो नष्ट हो चुके हैं। डाटा को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और मतलब ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, डेथ पेनल्टी वाला, अगर आपके पास में इसके नोट्स वगैरह नहीं है तो उसके बना लेना, ठीक है। मतलब अगर पहले से नोट बने हुए हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ऐड कर लेना, है ना, क्योंकि ये फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी फंडामेंटल राइट का ही एक इंटरप्रिटेशन है कि आर्टिकल 21 होने के बावजूद किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है, ठीक है। जैसे इस बार केस आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इन्वायरमेंट के लिए जजमेंट है ना, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंट राइट्स देने के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक मेजर रोल है ना, ऐसे केसेस जो है वो डेथ पेनल्टी वगैरह के ऊपर भी आपको भविष्य के अंदर देखने को मिल सकता है ना, तो इन चीज को नोट कर लेना। इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान उस सफरिंग में कह रहा था कि यार मतलब जो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल इतना कोई खास नहीं है। देखो कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो गया, पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया, भारी मात्रा में नुकसान हो गया, जिसके कारण से चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ये लोग सपोर्ट दे रहे हैं पाकिस्तान को। भारत क्या कर रहा है, तो भारत ने कॉन्डोलेंस दिया है, भारत ने कहा है कि हम लोग दुखी हैं पाकिस्तान के अंदर जो डिवास्टेटिंग कंडीशन है उससे, और हम लोग दुख उत्पन्न करते हैं। पर भारत के द्वारा अभी तक कोई भी असिस्टेंस पाकिस्तान को नहीं दिया गया, अब कोई असिस्टेंस पाकिस्तान को नहीं दिया गया है तो इसके फेवर और इसके अगेंस्ट में इस एडिटोरियल के अंदर क्या आर्ग्यूमेंट है, बस उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि देखो यार, पाकिस्तान की मिलिट्री ऐसी मिलिट्री है जो वहां की आवाम के ऊपर, वहां की लोगों के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट रखती है। पॉलिटिक्स जो है वो मिलिट्री द्वारा चलाई जाती है, वो वहां की मिलिट्री ये बताती है कि इंडिया से मिलिट्री ठहरते पाकिस्तान, तो आप बताओ कि पाकिस्तान की आम जनता के भारत से एड लेना चाहेगी? जब पाकिस्तान की जनता भारत से एड नहीं लेना चाहती तो हम लोग एड क्यों दें, पहली चीज। दूसरी चीज कि पाकिस्तान को हम लोग, पाकिस्तान ने अभी तक एड मांगी नहीं है, अब हम लोग आगे जाके एड देंगे तो वो लोग हमको ह्यूमिलिएट कर देंगे ऐसी चीज में। 2010 के अंदर भारत ने इसी तरीके से हेल्प ऑफर की थी, यूनाइटेड नेशन के अंदर जाके पाकिस्तान ने कह दिया था कि भारत रुके, इंतजार करे, जब हम लोग हेल्प मांगेंगे तब करना, तो उससे क्या होता है, इज्जत खराब होती है ना, ह्यूमिलिएट होते हैं, तो वैसी चीज की जाती है पाकिस्तान के द्वारा। इस कारण से हम लोगों को डायरेक्टली हेल्प नहीं करना चाहिए। वहीं कई सारे लोगों का कहना यह है कि देखो यार, पाकिस्तान को हेल्प कर देना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सारी गलती है, उन सारी गलतियों की सजा वहां के लोग क्यों भुगतते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोई कुछ भुगत रहा है तो वो कौन भुगत रहा है, इट्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु आर सफरिंग, दैट इज द नेम ऑफ द एडिटोरियल। तो वो लोग सफर कर रहे हैं, इस कारण से हम लोगों को उनको मदद कर देना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर कहा गया कि अगर हम लोग मदद करते हैं तो ज्यादा ज्यादा हो क्या जाएगा, मतलब पाकिस्तान मना कर देगा, पाकिस्तान मना कर देगा तो उसके लोग जो है वो सफर करेंगे, टमाटर वहां पर इतने महंगे हैं और महंगे टमाटर वो लोग खरीदते रहेंगे। पर अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेता तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक को और डोनर वगैरह को मदद मिल जाएगी और इंडिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्टनर के रूप में रीजन के अंदर उभर के आ जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि लगभग $30 बिलियन की मदद जो है वो पाकिस्तान को चाहिए, और अभी कई सारे देशों के अंदर पाकिस्तान की सरकार जा भी रही है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट जो है पेश किए गए इसके लिए कि पाकिस्तान की मदद की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। ये अगर पाकिस्तान बेस्ड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, ठीक है, तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन भी रिलेशन बेस्ड आ जाते हैं, जैसे इस बार श्रीलंका के ऊपर आ गया है, इसके पहले यूएस के ऊपर आ गया था, है ना, यूएस रशिया के ऊपर भी आ गया था 2020 के अंदर, यूएस रशिया दोनों के ऊपर आ गया था, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
तो रिलेशन जो है वो हमेशा हर एक देश के तैयार रखो। प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी बात करते हैं टेक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी वैसे तो मैं बार बार इसको नहीं पढ़ाने का सोचता हूँ, क्योंकि कई बार से चुटकी बुटकू आर्टिकल आ जाते हैं, है ना, उसकी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये समझो कि क्रिप्टो करेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये नुकसानदायी है, और क्यों इसको बैन करने की बात बार बार सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, तो कंसर्न क्या है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो देखो क्रिप्टो करेंसी है क्या, थोड़ा सा वो समझ लो कि होता क्या है। 2008 के अंदर अमेरिका के अंदर सबप्राइम क्राइसिस होते हैं। सबप्राइम क्राइसिस आता है क्योंकि डॉलर की वैल्यू अचानक से नीचे गिर जाती है। पूरा अमेरिका क्या पूरा वर्ल्ड भुगतता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलता है। कई सारे एनार्किस्ट लोग उभर के आते हैं, जिन एनार्किस्ट मतलब जो बिलीव करते हैं कि कोई राजा राजशाही ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, कंप्लीट रूप से अराजकता, जो अराजकता के अंदर बिलीव करते हैं वो एनार्किस्ट होते हैं। तो कुछ एनार्कियल ग्रुप के द्वारा क्या किया जाता है, एक बिटकॉइन बना दिया जाता है। इस बिटकॉइन को कोई भी कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि डॉलर एक, इनका कहना रहता है क्योंकि डॉलर एक सेंट्रलाइज करेंसी है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अमेरिका की, जब वहां पर क्राइसिस आया तो उसकी वजह से डॉलर के ऊपर क्राइसिस आया, और उसके वजह से पूरे विश्व के अंदर क्राइसिस आया, कास्केडिंग इफेक्ट। पर अगर हम लोग कोई ऐसी करेंसी बनाए जो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, तो ऐसी कोई ऐसी चीज होगी नहीं। तो इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बिटकॉइन बनाया, संतोषी करके व्यक्ति ने बनाया था, पर ये संतोषी कौन है कोई नहीं जानता, कंप्लीटली एनोनिमस है। अब बिटकॉइन को कैसे लिया जाता, मतलब जो बिटकॉइन वगैरह होते हैं, बिटकॉइन फिर बहुत गेन किया 2017 से 2020 के बीच में, तो बहुत ज्यादा गेन हुआ, बहुत प्रॉफिट गेन हुआ लोगों को, तो लोगों ने बिटकॉइन के ऊपर निवेश करना जो है वो और बढ़ा दिया। पर ये बिटकॉइन किसी व्यक्ति के पास में किस किस तरीके से आता, तो देखो संतोषी ने क्या किया था, एक डाटा पजल क्रिएट किया। डाटा पजल क्या होता है, तो ये कंप्यूटर के अंदर एक पजल रहता है जो कंप्यूटर खुद ही सॉल्व करता है, उसको कंप्यूटर सॉल्व करता है और उसके अंदर से फिर बिटकॉइन निकलता है। अरे इतना सिंपल है, फिर तो कोई भी बिटकॉइन निकाल लेता। जैसे जैसे बिटकॉइन निकलते जाएंगे वैसे वैसे डाटा पजल कॉम्प्लेक्स होता जाए, और ज्यादा बड़े सीपीयू की आवश्यकता जो है वो लगने लगेगी। आज के समय पे इस तरीके से डाटा माइनिंग की जाती है, बिटकॉइन माइनिंग की जाती है, क्रिप्टो माइनिंग की जाती है, ढेर सारे सीपीयू लगा दिए जाते हैं, तब जाके एक दिन के अंदर 0.00001 बिटकॉइन जो है वो वसूल होता है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये सीपीयू इतने सारे वेस्ट में जाएंगे, साथ में बिजली की खपत कितनी हो रही है बेजबरन की, साथ में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा है, साथ में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट इसके ऊपर इशू उठाते हैं। दूसरा तरीका है कि एक काम करो, मैं हूं, मैंने आपको मान लो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन दिया, और बदले में आपने बिटकॉइन के अंदर पेमेंट कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया जा सकता है, एल सेल्वेडोर वगैरह के अंदर तो लीगल करेंसी है बिटकॉइन। ठीक है, बोंडाई वगैरह के अंदर तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर दिया गया है। इस बार यूनिसेफ के द्वारा जो फंड इकट्ठा किया गया चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी को अलाउ भी कर दिया गया। मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप पेमेंट कर सकते हो कई सारे देशों के अंदर, कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे या कहीं पे भी इसका पेमेंट करते हो और बदले में कोई सामान खरीदते हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो कोई सा और सामान आप खरीदते हो रुपए के अंदर, तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगता है, आपको प्रोटेक्शन दी जाती है जब आपने नोट का प्रयोग किया, पर बिटकॉइन के अंदर वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती, पहली चीज। दूसरी चीज के क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो हाईली अनरेगुलेटेड, गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट थोड़ी की गई है ना। अब कहीं पे भी रुपया वगैरह आप किसी को देते हो, पेमेंट करते हो, तो जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, टैक्स लगता है। जब आपने मेरे से एजुकेशन के लिए मतलब मान लो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, बदले में मेरे को पेमेंट किया, यहाँ पे भी टैक्स लगेगा, पर आपने बिटकॉइन में पेमेंट कर दिया, सरकार को पता ही नहीं चला, तो टैक्स इवेजन किया जाता है। साथ में मैं कौन हूँ आप जानते नहीं हूँ, हो सकता है कि इस बिटकॉइन का प्रयोग मैं टेरर फाइनेंसिंग वगैरह के अंदर कर दूँ, टेरर फंडिंग में कर दूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में इसका डाटा जो है वो नहीं जाता। तीसरा तरीका होता है ट्रेडिंग करके, कि मतलब बिटकॉइन वगैरह जो है वो मैं मार्केट से खरीदूँ। एक होता है ना खरीदना, ये तो है एक्सचेंज, एक होता है खरीदना, कि यार मार्केट के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं डिजी कॉइन वगैरह, वहां पर मैंने पैसे दिए, बदले में मेरे को बिटकॉइन दे दिए, यहाँ पर क्या इशू आ जाएंगे। देखो यार, आप अगर गोल्ड के अंदर निवेश करते हो तो क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स मिलता है कि नहीं मिलता है, आप कैपिटल गेन टैक्स देते हो गवर्नमेंट को,
पर क्रिप्टो करेंसी जो कि इतनी वॉलेटाइल है वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, वहां पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट को। दूसरा इशू क्या हो रहा है कि यहां पर डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी प्रमोट हो रही है। डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी के अंदर डॉलर का प्रयोग करना। भारत जहां पर रुपया है वहां पर डॉलर का प्रयोग ज्यादा होना, क्रिप्टो करेंसी की वजह से ही होता है। क्योंकि आप अगर डिजिकॉइन वगैरह कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी देखो, क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म देखो, वहां पर पेमेंट होता है डॉलर में होता है। तो आप डॉलर के अंदर पेमेंट करोगे तो डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी बढ़ेगी, रुपये की वैल्यू कम होगी। इसके अंदर क्या होता है, टेरर फाइनेंसिंग वगैरह, यार मतलब बिटकॉइन किस कौन खरीद रहा है, किसको भेजा जा रहा है, नॉट नो। तो जैसे मैं हूं है ना, मैंने बिटकॉइन खरीदा, बिटकॉइन खरीद के किसी आतंकवादी को भेज दिया और आतंकवादी ने फिर इसी डीजी कॉइन के ऊपर अपने बिटकॉइन को भेज के पैसे ले लिए, टेरर फाइनेंसिंग हो गई ना। तो वो टेरर फाइनेंसिंग वगैरह जो है वो प्रमोट हो जाती है। यहां पर यह भी होता है कि वोलेटाइल है काफी ज्यादा। अनुराधा वाली स्कीम चलती है मेरी, अनुराधा ऐसी नहीं है, हेरा फेरी देखी होगी कि 1 लाख की जगह मतलब 1 का 3 कर देंगे, मतलब 21 दिन में पैसा डबल कर देंगे। तो क्या होता है, बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट बहुत हो रहा था। 2017 के अंदर 5,000 रुपया था, वो बढ़ बढ़ के 17, 18, 20, 24 लाख तक भी पहुंचा था बिटकॉइन एक समय। तो लोग क्या करते थे, जैसे मैं अकेला तो ले नहीं सकता, तो मैं किसी गांव में जाऊंगा, लोगों को कहूंगा कि मैं पैसा डबल करके दे दूं 21 दिन में, आप सब लोग मेरे को पैसे दे दो। सब लोग मेरे को पैसे दे दिए, और पैसे देने के बाद मैंने बिटकॉइन के अंदर निवेश किया सोच के कि मेरे को पैसा जो है डबल हो जाएगा, मैं इनके पैसे रिटर्न कर दूंगा, मेरे को 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट हो जाएगा और मैं 2 गुना उनको दे दूंगा, बाकी का प्रॉफिट जो है मैं रख लूंगा, ऐसा मैं सोचूंगा। पर बिटकॉइन कैसा है, शेयर मार्केट मतलब क्रिप्टो करेंसी का मार्केट वोलेटाइल है, तो ये नीचे चल जाएगा, उसमें मेरा नुकसान हो गया तो बैंड बज गई, तो मैं भी पैसा लेके भाग जाऊंगा, तो लोगों का नुकसान हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो बिटकॉइन के अंदर इशू के रूप में देखने को मिलती है। एक इशू मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक वाला, इलेक्ट्रॉनिक वेज बहुत प्रमोट होता है, बिजली खपत बहुत होती है, तो कई सारे कॉमन सेंटर होते हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी को निकाला जाता है, जैसे चाइना, यूएस, रशिया, कजाकिस्तान जैसे ठंडे राज्यों के अंदर भी। पर यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में क्रिप्टो के ऊपर ये देखने को मिलता है कि एनवायरमेंट के अंदर हीटिंग बहुत होती है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस बहुत होता है, जिसके कारण से चाइना ने तो पूरा क्रैकडाउन किया हुआ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, कई सारी यूरोपियन कंट्री क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर तो बैन ही लगा दी है ना। टर्की वगैरह, इटली वगैरह के अंदर काफी ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। रिसेंटली क्या है कि यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी का इन्होंने प्रयोग किया है ना, इन्होंने जो नया तरीका यहाँ पर निकाला है वो है, जिसके अंदर क्या करना है, आप लोग अपना जो बिटकॉइन है ऑलरेडी वो आप स्टैक पे दे सकते हो, मतलब आप कोलेटरल के रूप में रखोगे और बदले में आपको क्या किया जाएगा, प्रोसेस करने दिया जाएगा भविष्य के अंदर। इसे कहा जाता है प्रूफ ऑफ स्टैक। जैसे आज के समय पे कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के अंदर पैसे निकालने के लिए अपने घर के अंदर पूरा सीपीयू लगा के बैठ जा रहा है, ऐसी चीजें ना हो इसके लिए क्या किया जा रहा है, प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसकी वजह से एनवायरमेंट के अंदर एनर्जी खपत 99.95% तक कम हो जाएगी। ये कैसे होगा, तो यहाँ पर ये पढ़ लो, स्टेक योर ओन कॉइन, आप अपने खुद के कॉइन को पहले स्टेक पर रखोगे जो कोलेटरल के रूप में काम करेगा, और फिर उसके बाद में आपको नए ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन करने दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर बात करते हैं GS2 के अंदर, एक खबर ही खास आई है, दैट इज इजिप्ट के साथ में मिलकर हम लोगों ने डिफेंस को प्रोडक्शन करने की बात की है, मतलब भारत और इजिप्ट अब साथ में मिलकर मिलिट्री कोऑपरेशन करेंगे, ये फाइनल हो चुका है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, अभी मतलब बीच में बात नहीं, फाइनल हो चुका है, भारत और इजिप्ट साथ में मिलके मिलिट्री के ऊपर कॉपरेशन करेंगे और दोनों साथ में मिलके इक्विपमेंट बनाएंगे भी सही और उनको प्रोसेस भी करेंगे, उनको मेंटेन भी करेंगे, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करने के लिए भी ये दोनों देश जो हैं वो आगे आएंगे, ठीक है। साथ में दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए दोनों ही देशों के बीच में MOU जो है वो साइन कर दिया गया, तो डिफेंस कॉपरेशन जो है वो दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा मात्रा में इजिप्ट और भारत के बीच में देखने को मिल सकता है। अब इजिप्ट आप देखोगे तो ये मिडल ईस्ट का भाग है, इंडिया का एक्सटेंडेड नेबर है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इजिप्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करो,
SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप जुड़ सकते हो, क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी। मैंने ऑलरेडी बता दिया है शुरुआत के अंदर ही कि कौन कौन से टॉपिक मेरे द्वारा कवर नहीं किए गए और वो क्यों नहीं किए गए, देयर इज अ प्रॉपर रीजन, ठीक है। मतलब केवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग फिजूल के पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब 10 खबर 1000 खबर भी पढ़ने को तो पढ़ सकते हैं, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा नहीं तो मतलब नहीं उनको पढ़ने से, ठीक है। तो हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कवर कर लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जय हिंद जय भारत।